आईटीएनस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये आपका 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 लिखा हुआ है। तो देखिए आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का स्क्वायर अपॉन, और ये यहां पर डिनोमिनेटर में आपका रूट 3 प्लस रूट 2 आई, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस आई रूट 2। ओके, तो यहां पर रूट 3 से माइनस रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 9, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 आई, यहां पर ये आपका आई आएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2 रूट 2 आई, तो देखिए इससे इसको काट देंगे ये आपका 7 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 7 अपॉन रूट 2 आई। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें आयोटा का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 आई अपॉन रूट 2 आई स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 आई अपॉन, ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 हो गया। ठीक है, आप देखिए, अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका माइनस 7 आई, ये हम माइनस लिख सकते हैं इसको, माइनस 7 आई अपॉन रूट 2। तो क्या करेंगे, अब ये जो है हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल हमें नहीं चाहिए होता है, तो देखिए हम क्या करेंगे, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 7 रूट 2 आई अपॉन 2, ये हो गया, ये तो हमारा आंसर है। अगर लेकिन इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको 0 माइनस 7 रूट 2 अपॉन 2 आई, इसको हम अपना आंसर बोल सकते हैं। आपका आंसर ये भी है और ये भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।